ấy phi sa phơr phi sa phơr khang ấy bay ấy phe gar bay yang der go nay phi sa co cong gar ra zan hora hora lang sir co horang language भी सेंस हो सकते हैं लेकिन प्राचीन जो रूप है ना ये रह सकते हैं रह जाते हैं रेमनेंट लैंग्वेज का इसलिए तो टी डी डी सी ताते माने बोरो बा राभा इबले मानुए गुई ताते बांग्लादेशर आसाम उपाधि लिखे हां इतेओ আছে तेओ लोगोर उपाधि सब उमुक आसाम एने को आरो एक जाति दुनिया को कैसे देखता है कैसे कॉग्निफाई करता है उसको एक्सप्रेस करता है शब्दों में और इसीलिए इसको कॉग्निटिव एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर बोलता है बर्मन डायनेस्टी का टाइम में इतना बहुत ज़्यादा टेम्पल्स यहाँ में नहीं बने बर्मन डायनेस्टी का हम लोग कंपेयर करते हैं जो गुप्ता डायनेस्टी है गुप्ता से हम लोग कंटेम्पोररी मानता है ब्रिटिश इंडिया यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य था एक सेलेस्टियल एम्पायर खड़ा करना यानी एक स्वर्गीय साम्राज्य खड़ा करना वो भी इंग्लैंड में चाहे देश दुनिया के भिन्न दिशाओं में अपने व्यापार को फैला कर हो या फिर उससे भी नहीं बनते हैं तो लूटपाट के जरिए हो बस मिशन को पूरा करना था अब उसी उद्देश्य से ही इस भूमि भाग में भी ब्रिटिश इंडिया ने कदम रखा था यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी एवं ब्रिटिश लोगों को बर्मा से डायरेक्ट तिब्बत होते हुए चाइना तक व्यापार को प्रहार करना था लेकिन बर्मा से चीन तक जाने के लिए असम के जंगल के रास्ते से गुजरना और असम की अनजान जनजाति अनजान लोग और अनजान जंगल के रास्ते से व्यापार की सामग्रियों को ले जाना और आना यह कंपनी के लिए खतरे से खाली नहीं था क्योंकि अब तक ब्रिटिश लोगों को मालूम हो चुका था कि यहाँ के मूल आदिवासियों को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं मारपीट करके भी हरा नहीं सकते हैं और समझा कर भी समझा नहीं सकते हैं डोमिनेट करने के लिए एकमात्र उपाय था धर्म इसीलिए मिशनरी लोगों को यहां बुलाना ब्रिटिश कंपनी के लिए मजबूरी था ब्रिटिश सरकार की सोच थी कि व्यापार मार्ग में पड़ने वाले सभी गांव और वहां के लोगों को क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित कर दिया जाएगा तो आने जाने में सुविधा होगी और उन लोगों का सहयोग भी मिलेगा असम एडमिनिस्ट्रेशन के आमंत्रण पर 1838 में अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशनरीज ने असम के गुवाहाटी जोरहाट नौगांव आदि स्थान में कदम रखा और शिक्षा के साथ साथ धर्म प्रचार का कार्य करना शुरू किया द सोसाइटी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल के रेवरेंड सिडनी एंडल समझ गए कि आम बोरो अंग्रेजी या असमिया भाषा नहीं समझते हैं बोरो के बीच ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए बोरो भाषा ही एकमात्र उपयुक्त भाषा है इसीलिए उन्होंने बोरो भाषा को अच्छे से बोलना और लिखना सीख लिया उन्होंने बाइबल के न्यू टेस्टामेंट और गॉस्पेल सॉन्ग्स को बोरो भाषा में अनुवाद किया साथ ही 1884 में मैनुअल ऑफ कछारी लैंग्वेज किताब लिखकर बोरो कछारी की भाषा को संगठित किया और सन 1911 में द कछारीज किताब लिखकर बोरो कछारी के सांस्कृतिक परंपरा
और प्रथागत कानूनों की संक्षिप्त इतिहास को लिपिबद्ध किया। जिस समय में बोरो भाषा को जंगली भाषा, म्लेच्छ भाषा कहकर घृणा और उपेक्षा करते आ रहे थे, जिसके कारण स्वजाति बोरो लोगों के एक बृहद संख्यक लोग कथाकथित सभ्य समाज में घृणित और उपेक्षित होने के डर से इतिहास के पन्नों में भिन्न समय में भिन्न भाषा को अपनाकर भिन्न जाति सृष्टि कर चुके थे, और जो बोरो बनकर जी रहे थे वो लोग भी असम भूमि के सीने से खो जाने के डर और शंका में जी रहे थे। उस समय धर्म के व्यवहार के लिए ही सही, पर बोरो भाषा को एक किताबों में एक माध्यम के हिसाब से स्थान पाते हुए देखना बोरो लोगों के लिए कल्पना के बाहर की बात थी। हर कोई बोरो धर्म की बात को पीछे रखकर अपने भाषा के जरिए शिक्षा का भविष्य को देख रहे थे। इसीलिए हर कोई बोरो उस समय रेवरेंड सिडनी एंडल के शुक्रगुजार हुए। इसी सरलता का फायदा उठाते हुए मिशनरीज लोग शिक्षा के साथ साथ क्रिश्चियन धर्म में बोरो लोगों को दीक्षित करते जाने लगे। इस तरह भिन्न समय में भिन्न दिशाओं से भिन्न डिनोमिनेशन के रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के धर्म प्रचारक मिशनरीज लोग आते गए और शिक्षा और सामाजिक कार्य के जरिए क्रिश्चियन धर्म प्रचार करते गए। बोरो लोग शिक्षित तो हो रहे थे, लेकिन अपने समुदाय के संस्कृति, परंपरा, रीति नीति से दूर होते जाने लगे। जैसे बैसागु, मागदोमासी, खथीगसा आदि उत्सव को भी मानना छोड़ते जाने लगे। शादी और फंक्शन का रूप बदलने लगा। क्रिश्चियन बोरो लोगों को लोक संगीत, लोक नृत्य, यहाँ तक कि बागुरुम्बा नृत्य करने पर भी पाबंदी लग गई। और तो और क्रिश्चियन बोरो लोग दूसरे धर्म के बोरो लोगों के घर शादी ब्याह जैसे सामाजिक संबंध भी बनाना बंद कर दिया। धर्म के आधार पर बोरो लोग फिर से अपने ही भाई भाइयों में पराया हो गए। कोई धर्म गुरु नहीं है बातों का, बोरो का एक कारण यही है। इसीलिए तो कालेश्वर ब्रह्मा ने शुरू किया था ब्रह्मा जी। पहले वो लोग जो लोग ब्रह्मा जी में आ गया था पहले, वो लोग पहले बाथू इसी में शामिल था कोई, और उसके बाद जो कालेश्वर ब्रह्मा आया ब्रह्मा जी शुरू किया, ब्रह्मा जी में आदमी शामिल हो गया। और अभी तो बाथू इसी में I do believe that Bhattuism is धीरे धीरे अभी वो रेनेसा आ गया, Bhattuism का भी रेनेसा आ गया। और इसके बावजूद क्या हुआ, अभी भी कृष्ण भूमि में शामिल हुआ संकटेव संघ, आप देखिए ना संकटेव संघ। ये जो धर्म का जो एक डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन Bhattuism में नहीं, इवन इन Brahmoism में भी नहीं। लेकिन ये जो डिसिप्लिन है, धर्म का जो डिसिप्लिन है, ये मिलता है क्रिश्चियन में, ये मिलता है कृष्ण गुरु में, ये मिलता है शंकरी जो धर्म है। कारण ये ही है, कारण दूसरे कारण नहीं है, कारण ये ही है। इससे पहले तक किसी भी हिंदू स्क्रिप्चर में ऐसा कुछ भी उल्लेख ना होने के बावजूद कुछ हिंदू ब्राह्मणों के द्वारा धर्म के नाम पर किए गए भेदभाव, छुआछूत, डोमिनेशन और अलग अलग नियम नीति का पालन करना और बोरो लोगों के द्वारा करवाना, इसी को लेकर बोरो लोगों के अंदर
पूरे हिंदू धर्म और पूरे ब्राह्मण समुदाय के प्रति एक अलग नजरिया बन चुका था, साथ ही परेशान भी हो चुके थे। इसी को हथियार बनाया 19वीं सदी के अंत में आए भिन्न डेनोमिनेशन के मिशनरीज लोगों ने। उन लोगों ने बाथू धर्म को हिंदू धर्म का ही एक रूप के तौर पर बोरो लोगों के सामने रखने लगे। साथ ही कुछ ब्राह्मणों के द्वारा धर्म के नाम पर किए गए भेदभाव, छुआछूत, डोमिनेशन और अलग अलग नियम नीति को पूरे हिंदू धर्म के साथ जोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि बहुत से लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ आकर्षित हुए, लेकिन इनकी नफरत और बेरुखी उन कुछ ब्राह्मणों के प्रति ना होकर पूरे हिंदू धर्म और पूरे ब्राह्मण समाज के साथ हो गई। और इसी के लपेट में बाथू धर्म को मानने वाले भी आ गया। सन 1906 के आसपास कालीचरण मेचे ने कोलकाता से श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य परमहंस शिव नारायण स्वामी से सनातन धर्म की दीक्षा लेकर असम के विभिन्न गांव में बोरो लोगों के बीच ब्रह्म धर्म का प्रचार करने लगे। और लोगों को विश्वास दिलाने लगे कि बोरो लोग अगर अपने पुराने बाथू धर्म को मानते रहेंगे तो बोरो समुदाय कभी उन्नति कर नहीं पाएंगे। हमारा बाबा ने हमको बताया, हमारे घर में 7 दिन 7 रात के लिए पूजा चलता था, बोला उसमें ऐसा 10-15 चावल का राइसवान बनता था और भैंस से लेके कबूतर, बकरी, हाँस, ये मुर्गी और ये क्या क्या है चुहार और ये जो मछली है और जो कुमरा है वहाँ तक बोलि देता था। एक दिन में एक एक जाति का जानवर ये बोलि देता था, बोला 7 दिन 7 रात। उसमें क्या है ना, बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, बोला इसीलिए हमारा दादा ने हम ऐसा करते रहेगा तो गरीब बन जाएंगे, हम अमीर तो नहीं रहेंगे, हम कंगाल हो जाएंगे और ये तरीका अच्छा नहीं है। जो जो ये हम करते हैं सालों में एक बार तो क्या होता था, बोला 9-10 दिन तक घर में कुछ भी काम नहीं कर पाता था, बोला और सिर्फ उसी घर का नहीं, एरिया का लोग भी कुछ काम नहीं कर पाता था, बोला क्योंकि उन लोग सब उसी में इन्वॉल्व होना पड़ता था। और एक भैंस बोली देने से उसका मांस को कहाँ के ख़त्म करना है, उसी जगह में कहीं पे ले जाने को परमिशन नहीं है, जहाँ पे काटता था, जहाँ पे बोली देता था उसी में खा के ख़त्म करना था। तो देखो वो सब इतना मांस खाना है तो कितना लोगों को जरूरत होगा, ऐसा खाता था कोई कोई खा के बीमार तो हो जाता था, बोला। तो हमारा दादा को थंग आ गया, बोला थंग आके वो परंपरा को छोड़ के ब्रह्म धर्म में कन्वर्ट हुआ। तब तो गुरुदेव कालेश्वरन ब्रह्म जी ने वो कोलकाता से वो ब्रह्म धर्म ले आ सका था। कालीचरण मेचे का ये भी प्रयास था कि जो बोरो लोग क्रिश्चियन धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं उनको रोकने का एकमात्र उपाय ब्रह्म धर्म का प्रचार। उनके बात मानते हुए फिर से कई संख्यक बोरो लोगों ने बाथू धर्म को छोड़कर ब्रह्म धर्म को अपना लिया। साथ ही सन 1912 में
ग्वालपरा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन से अपील किया कि जो लोग ब्रह्म धर्म लेते हैं उनको ब्रह्म उपाधि लिखने की अनुमति दी जाए। यह अनुमति गृहित हुई और कई लोगों ने ब्रह्म धर्म के साथ साथ उपाधि को भी ब्रह्म बना लिया। उस समय कलीचरण के इस प्रयास को बोरो कछारी जनजाति के अलावे कछारी समुदाय के दूसरे जनजाति के लोग समर्थन नहीं किए। वे लोग समुदाय की उन्नति तो चाहते थे, लेकिन उन लोगों को ब्रह्म धर्म ग्रहण करना मंजूर नहीं था। कलीचरण ब्रह्म ने बोरो लोगों की शिक्षा, रोजगार, सामाजिक उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। स्कूल्स खोले, हॉस्टल बनवाए, युवक और महिलाओं को रोजगार मिले, इसके लिए भी कई सारे कार्य किए। उनके सामाजिक योगदान को मान देने के लिए लोगों ने उन्हें गुरुदेव की उपाधि दी, इसीलिए उनको गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कहा गया। गुरुदेव के प्रयास के फलस्वरूप सन 1912 को अनडिवाइडेड ग्वालपरा जिले में हबराघाट बोरो सम्मेलनी नामक एक पहला संस्था का गठन हुआ और बोरो समुदाय के बीच ये पहला संगठन था। धीरे धीरे कई सारे संस्थाओं का गठन होने लगा। अनेक स्कूल आदि स्थापना करके शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के साथ साथ अनेक वीविंग सेंटर्स आदि स्थापना करके महिला और युवाओं के बीच आर्थिक उन्नति के लिए जागरूकता लाई। बोरो बच्चे स्कूल जाने लगे। बोरो भाषा को असमिया स्क्रिप्ट में लिखने का माध्यम बनाया। धीरे धीरे बोडो भाषा साहित्य विकसित होने लगा। लेकिन स्कूल कॉलेज में कछहरी छात्रों को असमिया छात्रों के साथ बैठकर खाना खाने तक नहीं दिया जाता था। कछहरी छात्रों के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं था। जिन कछहरी युवाओं ने हायर स्टडीज खत्म कर लिया था उनको भी असम में नौकरी नहीं मिलती थी। पहले ब्रिटिश और गवर्नमेंट पॉलिसी ने एक बहुत बड़ी ट्राइबल आबादी को अपने जमीन से बेदखल कर दिया था। असमीज के द्वारा ट्राइबल की अनदेखी ने इन लोगों को चिंता में डाल दिया कि उनका कल्चर और ट्रेडिशन का क्या होगा, उनका आइडेंटिटी का क्या होगा। अपने ऊपर हो रहे अन्याय और उपेक्षा को देखते हुए गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म की अगुवाई में कछहरी यूथ एसोसिएशन और ग्वालपरा डिस्ट्रिक्ट बोडो एसोसिएशन ने साइमन कमीशन को अलग अलग मेमोरेंडम सौंपा। ये वो समय था एक भूमिपुत्र समुदाय अपनी मातृभूमि में ही किसी विदेशी से अपना अधिकार को मांगना पड़ा। ये वो समय था जब बृहद कछहरी समुदाय जिन नॉन मंगोलियन लोगों को अपनी जगह जमीन में बसने दिया, किसी की भाषा, संस्कृति और धर्म को विभेद न करके श्रद्धा किया, फिर उन्हीं नॉन मंगोलियन लोगों के द्वारा किए गए भेदभाव, उपेक्षा, अत्याचार और घृणा के कारण बृहद कछहरी समुदाय अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना पड़ा। इसी तरह बोरो समाज के लिए अनगिनत कार्य करते करते सन 1938 के मई महीने को गुरुदेव का देहांत हो गया।
जमीन से ज्यादा फायदा निकलने के लिए 1826 से 1900 तक ब्रिटिश ने असम में वेस्टलैंड सेटलमेंट पॉलिसी चलाया, जिसके तहत बंगाल से बंगाली बोलने वाले मजदूर, जिसमें मयमनसिंहिया के मुस्लिम की जनसंख्या बहुतायत थी, उनको असम में लाकर बसाया, ताकि वे खाली पड़ी असम की जमीन में फसल लगाकर ब्रिटिश को टैक्स भर सके। इस पॉलिसी के कारण बंगाल प्रोविंस से मुस्लिम की बहुत बड़ी आबादी असम में आ गई। एक सेंसस सुपरिटेंडेंट होते थे ब्रिटिश ऑफिसर 1931-32 में, उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा, मुलेन उनका नाम था, कि अगर ईस्ट बंगाल, उस वक्त पाकिस्तान नहीं था और बांग्लादेश भी नहीं था, ईस्ट बंगाल से लोगों का आना नहीं रोका जाएगा तो असम में सारे मयमनसिंहिया भर जाएंगे। उनको मयमनसिंह से आते थे इसलिए उनको मयमनसिंहिया कहते थे, और असामी सिर्फ तेजपुर और डिब्रूगढ़ में रह जाएंगे, बाकी असम में हो जाएंगे, इसलिए इनको कुछ इंतजाम करना चाहिए। जब असम के लोग, खास करके ट्राइबल्स ने विरोध किया, तब इस विरोध को खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 8 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन कर बंगाल के 15 जिलों को असम में जोड़कर ईस्टर्न बंगाल एंड असम नामक नया प्रोविंस बना दिया। जब इस मर्जर के खिलाफ भी विरोध करने लगे, तब 1 अप्रैल 1912 को फिर से असम और ईस्टर्न बंगाल को अलग कर दिया गया। लेकिन तब तक बंगाल से जो जनसंख्या असम में प्रवेश किया था, वो एक भयावह रूप ले चुका था। फिर शुरू में हुआ कैबिनेट मिशन प्लान, जिसको ग्रुपिंग कहते थे, तो असम और बंगाल को एक ग्रुप बना दिया, और बाकी जो थे ग्रुप सी और मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस ग्रुप बी था, हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस ग्रुप ए। कांग्रेस ने मान रखा था इस प्लान को, बोरदोले ने कहा कि हम नहीं मानेंगे, क्योंकि गोपीनाथ बोरदोले, क्योंकि असम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। महात्मा गांधी ने गोपीनाथ बोरदोले का समर्थन किया, तो ग्रुपिंग प्लान ख़त्म हो गया। अब उसके बाद जो घुसपैठियों का सिलसिला रहा, उसके दो वजह थे। पहला तो था इकोनॉमिक, क्योंकि वहाँ गरीबी थी और असम के इलाके में ज़्यादा खुशहाली थी, वहाँ पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत था, यहाँ बहुत खाली ज़मीन था, तो ये इकोनॉमिक रीजन से भी लोग कहते थे कि वी वांट ए लिविंग स्पेस। बांग्लादेश के रहने के बांग्लादेश वासियों को रहने की जगह चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट बहुत खाली जगह है। इन सब के कारण जब 1911-1921 के सेंसस में मुस्लिम इमिग्रेंट्स की जनसंख्या में 350% की वृद्धि नौगांव में दिखी, तब 1923 में ऑफिशियली लाइन सिस्टम की शुरुआत नौगांव में की गई और नियम कानून लागू किया गया कि इमिग्रेंट्स का एरिया कौन सा है और असम के इंडिजिनियस लोगों का एरिया कौन सा है। जो असम के इंडिजिनियस का एरिया था, उसमें इमिग्रेंट्स का बसना बंद कर दिया गया, लेकिन करप्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स नई इमिग्रेंट को इलीगली सेटल कराते गए। सिर्फ यही नहीं, बेहतर फसल की उपजाऊ और ज्यादा मुनाफा के खातिर असमिया जमींदारों ने भी इनको अपने जमीन पर बसाना जारी रखा। धीरे धीरे नई इमिग्रेंट्स जमीन के मालिक बनते गए और असमिया और बोरो को बाहर निकलते गए। बोरो लोग उत्तर के रिजर्व फॉरेस्ट में जाकर बद से बदतर हालत में रहने लगे, लेकिन यहाँ भी कभी सूखा तो कभी गवर्नमेंट के द्वारा एविक्शन के कारण ये लोग असम के शिवसागर नौगांव के रिजर्व फॉरेस्ट के अलावे
नॉर्थ लखीमपुर में अवैध रूप से मजबूरी में रहने लगे। यहाँ फिर से बोरो लोग लोअर लेवल के करप्ट ऑफिसर्स के दया पर रहने लगे। यहाँ फिर से वही समुदाय के भ्रष्ट ऑफिसर्स मिले, जिनकी वजह से बोरो समुदाय के लोगों की ये हालत हुई थी। इधर लाइन सिस्टम में लोअर लेवल के कुछ करप्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स के द्वारा इलीगल माइग्रेंट्स को अवैध रूप से बढ़ावा देने के कारण कचहरी समुदाय काफी परेशान हो चुके थे। यहाँ जितने भी प्लेन ट्राइब्स थे वे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के कार्यों से खुश नहीं थे, क्योंकि फरवरी 1928 को साइमन कमीशन से किए गए एक भी डिमांड अब तक फुलफिल नहीं हुआ था। इसीलिए सभी प्लेन ट्राइब ने हाथ मिलाया और असम कचहरी युवक सम्मेलन के इनिशिएटिव पर नौगांव डिस्ट्रिक्ट के रोहा में एनुअल सीजन पर ऑल असम प्लेन ट्राइबल लीग नामक पहला पॉलिटिकल पार्टी का गठन 17 अप्रैल 1933 को किया। ये पहला समय था जो सभी कचहरी समुदाय एकजुट होकर प्लेन ट्राइब्स के लिए एक साथ आवाज उठाना शुरू किया। The leaders were Bhimbor Devri, Satish Chandra Basumatari, Raghunath Brahma, and many others. They were the leaders. They made political endeavor to ensure the development and progress of the tribals, like the Bodos, the Missings, the Ravas, the Sonwals, and so on, living in the plains of Assam. There was no progress at all among the tribals. There was constant land aggression on the tribal lands. The tribals remained poor and poor in spite of the tribal organization named Plains Tribal League. The development could not be achieved. This organization participated in the elections. They had 4 MLAs also in the beginning. ऑल असम प्लेन्स ट्राइबल लीग का मुख्य उद्देश्य था प्लेन्स ट्राइब के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को सुलझाना, ट्राइबल लोगों के बीच प्राइमरी एजुकेशन का प्रचार करना, खुद के समाज एवं समुदाय में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों को हटाना, साथ ही लेजिस्लेचर में एसटी रिजर्वेशन की मांग को भी जारी रखना। Oh,
साइमन कमीशन ने पहली बार सन 1935 में स्केड्यूल का शब्द को बनाया था। सन 1931 के सेंसस के आधार पर ब्रिटिश प्रोविंस में ऊंची जाति के द्वारा जितनी भी अछूत और शोषित लोग थे वे स्केड्यूल कास्ट के कैटेगरी में आए और अधिकारहीन आदिवासी समुदाय थे और आदिवासी क्षेत्रों में रहते थे, खास करके जंगलों में। उनको स्केड्यूल ऑफ ट्राइब की कैटेगरी में रखा। बाद में इन्हें स्केड्यूल ट्राइब कहा गया। साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पर 1935 के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट के प्रावधानों के तहत प्लेन्स ट्राइब्स के लिए लेजिस्लेचर में 4 सीट को रिजर्व किया गया। फिर 1937 के लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन में ऑल असम प्लेन्स ट्राइबल लीग के 4 प्रतिनिधि रिजर्व सीट से जीत कर आए। ऑल असम ट्राइबल लीग से हाथ मिलाकर सन 1938 में गोपीनाथ बरदलोई ने असम में सरकार का गठन किया। गोपीनाथ बरदलोई ने ट्राइबल लीग से इस बात का समझौता किया था कि वे ट्राइबल की समस्याओं को सुलझाएंगे, लेकिन ब्रिटिश के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा इंडिविजुअल सिविल डिओबीडियंस मूवमेंट चलाने के कारण कांग्रेस और ट्राइबल लीग के गठबंधन खत्म हो गया। साथ ही 1 अप्रैल 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और भारतीयों को ब्रिटिशर्स ने युद्ध में इस्तेमाल करना शुरू किया, तब कांग्रेस के द्वारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के विरोध स्वरूप सत्याग्रह करने और क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने के कारण गोपीनाथ बरदलोई के साथ साथ बहुत से कांग्रेस के लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मोहम्मद सदुल्ला को अपने लिए एक सुनहरा मौका नजर आया और उन्होंने ट्राइबल लीग के मेंबर्स को ये विश्वास दिलाया कि वे ट्राइबल की समस्याओं को, खास करके जमीन संबंधी समस्याओं को सुलझाएंगे। और 1939 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने प्लेन ट्राइबल लीग के मदद से असम में सरकार बनाया। इधर जब जापानी सेना ईस्टर्न फ्रंटियर की ओर बढ़ने लगे, तब ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने असम के सदुल्ला गवर्नमेंट को ग्रो मोरफुट कैंपेन चलाने का निर्देश दिया, ताकि जो एलाइट ट्रूप असम में रुके हुए हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था की जा सके। यही वो समय था जब सर सैयद मोहम्मद सदुल्ला ने ईस्टर्न बंगाल से मुस्लिम मजदूरों का बाढ़ असम में लाना शुरू किया और उनको इलीगली खाली पड़ी गवर्नमेंट की जमीन ग्रेजिंग लेन, 4 लेन के साथ साथ लाइन सिस्टम के अंदर बसाने लगे। ग्रो मोर फूड कैंपेन के वजह से बोरो लोग अपनी जमीन से वंचित होते गए। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने असम का पूरा नक्शा ही बदल दिया। डेमोग्राफिकली एक ऐसा असम बना जिसने असम में रहने वाले ट्राइबल्स की जिंदगी तहस नहस कर दी। असम के इतिहास में ये एक ऐसा अध्याय छपा जो आने वाले पीढ़ी के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जनसंख्या का प्रहार ऐसा था कि पूरे असम के इंडिजिनस लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। मोहम्मद सदुल्ला ने इस बात को स्वीकार किया था कि जो इमिग्रेंट्स मुस्लिम ईस्ट बंगाल से आ रहे हैं वे न केवल ट्राइबल्स को बल्कि असमिस मुस्लिम को भी अपने स्थान से हटा रहे हैं। प्लेन ट्राइब्स की समस्याओं को सुलझाने के बदले मोहम्मद सदुल्ला ने प्लेन ट्राइब्स के भविष्य को अंधेरे में ऐसा धकेल दिया जिसका दर्द आज तक असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया मजबूरन सह रहे हैं। मोहम्मद सदुल्ला असम के प्राइम मिनिस्टर बने, मुस्लिम लीग के थे, तो उन्होंने और कोशिश की और मनमोहन सिंह इलाके बसाना शुरू कर दिया। लॉर्ड वेबल था अंग्रेज वॉइसरॉय, उसने कहा अपने किताब में वॉइसरॉय जर्नल कि ये ग्रो मोर फूड नहीं कर रहे हैं,
ग्रो मोर मुस्लिम कर रहे हैं आसाम में, ग्रो मोर फ्रूट के बहाने कि जंगल काटो, पैदावार बढ़ाओ, मुसलमानों को ला रहे हैं। सद्दुल्ला का एक ऐसा एजेंडा भी था कि जब भारत विभाजन के वक्त आएगा तब अगर असम के मुस्लिम आबादी बढ़ जाएगी तो असम को ईस्टर्न बंगाल के साथ साथ पाकिस्तान में मिलाना आसान हो जाएगा। भारत को विभाजित कर अलग पाकिस्तान बनाने की मांग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सन 1935 के पहले से ही करते आ रहे थे। सन 1946 में असम के प्री इंडिपेंडेंस इलेक्शन में गोपीनाथ बरदलोई की अगुवाई में कांग्रेस की फिर से सरकार बनी। ऑल असम प्लेन्स ट्राइबल लीग के कई सारे लीडर्स ने गोपीनाथ बरदलोई का साथ दिया। जमीन और इमिग्रेशन की समस्या को ध्यान में रखकर असम लैंड रेवेन्यू रेगुलेशन 1886 में चैप्टर 10 को जोड़ा गया। We are just fighting to secure our land, our people, our identity, our future generation who are yet to be born. Agor purbor sirula kamar phul bodalo je hitu pa hoy kolai ami ajir ei jibon ek gor hoy thampar bahire bele ekon ukhaila bodu saitya sabha or all bodu student union is very backbone for the bodu society. We thought that it was necessary to organize the plains tribals politically. Just think, 18,000 bighas will be taken, all Karbi and tribal people. Indira Gandhi, our college, apna loge immediate Delhi lagusi ya, good document, good paper. Iti amla ei paper to banaute, pray 15-16 ma khomoi lagi. Jai Boro Hari!